नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले की बात हम करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। जेल में पहली रात केजरीवाल काफी बेचैन रहे। जेल में पहली रात केजरीवाल सही से सो नहीं पाए और रात में कई बार उनकी नींद भी खुली। तो जेल में पहली रात केजरीवाल की कैसे कटी ये हम आपको बता रहे हैं। सही से सो नहीं पाए केजरीवाल, और ये जानकारी सूत्र बता रहे हैं कि रात में केजरीवाल की कई बार नींद खुली। तो 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है अरविंद केजरीवाल, और सुबह 10 बजे आतिशी एक अहम खुलासा भी करने वाली हैं, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि केजरीवाल की पहली रात जेल में कैसी कटी, बेचैन रहे और कई बार नींद खुली। दरअसल जेल नंबर 2 के बैरक में बंद है अरविंद केजरीवाल। बैरक में क्या क्या मौजूद है ये आपको बता रहे हैं। 14 फीट लंबी, 8 फीट चौड़ी ये बैरक है, और बैरक में टीवी है, एक अटैच बाथरूम है, टीवी की सुविधा केजरीवाल के लिए है। इसके अलावा बैरक के बाहर 4 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। हर वक्त सीसीटीवी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निगरानी हो रही है। तो आपको बताएं कि नाश्ते में चाय और ब्रेड केजरीवाल को दी जाती है, घर से खाना आएगा ये सुविधा है। सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में वो घर का खाना खा सकते हैं। दोपहर 12 से 3 बजे तक वो बैरक में बंद रहेंगे। ये पूरा शेड्यूल टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं। और दोपहर 3 बजे बैरक से बाहर निकाले जाएंगे अरविंद केजरीवाल। जेल में केजरीवाल की दिनचर्या क्या रहने वाली है ये हम आपको बता रहे हैं। सुबह के नाश्ते से लेकर के दोपहर बैरक से बाहर आने तक का समय ये एक एक करके हमने आपको बताया। शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। तिहाड़ में उनको उसी जेल नंबर 2 में रखा गया जिसमें उनकी ही पार्टी के नेता संजय सिंह को रखा गया था। जेल प्रशासन ने केजरीवाल के आने से पहले ही जेल नंबर 2 को खाली करवा लिया था। केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली ईडी ने कोर्ट में रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया गया। और कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली पुलिस सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर तिहाड़ जेल पहुंच गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया। तिहाड़ पहुंचने से पहले पुलिस ने उनकी मेडिकल जांच करवाई। तिहाड़ जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई। पूरी तैयारियां यहां पर प्रशासन की तरफ से भी की गई है, क्योंकि मामला सीएम का है, इसीलिए सिक्योरिटी के मद्देनजर जगह जगह पुलिस वालों की तैनाती देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल से पहले तिहाड़ की जेल नंबर 2 में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को रखने के लिए जेल प्रशासन ने संजय सिंह को कुछ दिन पहले ही जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया था। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के लिए जाते समय अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता तो हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर तिहाड़ जेल के बाहर पहुंच गए और वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 के बैरक में अकेले रखा गया है। केजरीवाल की आज पहली रात तिहाड़ जेल में कटी। जिस बैरक में केजरीवाल को रखा गया है वो 14 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है। इसमें एक टीवी लगा हुआ है, सीमेंट का ऊंचा चबूतरा बना हुआ है। बैरक के बाहर 4 सुरक्षाकर्मी हर वक्त तैनात रहेंगे। तो सेल में अकेले रहेंगे अरविंद केजरीवाल, और बैरक के बाहर 4 सुरक्षाकर्मी तैनात है। हर वक्त सीसीटीवी से केजरीवाल की निगरानी भी हो रही है, और आपको बताएं कि बैरक में एक टीवी की सुविधा भी है। जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल इस वक्त बंद है। सजायाफ्ता कैदियों की बैरक में केजरीवाल है, और केजरीवाल की पहली रात कैसे कटी ये हमने आपको बताया कि बेचैन वो रहे, रात में उनकी कई बार नींद खुली। और आपको बताएं कि सुरक्षा काफी कड़ी है, 4 सुरक्षाकर्मी उनके बैरक के बाहर मौजूद हैं। इसके अलावा घर का खाना अरविंद केजरीवाल खा पाएंगे, टीवी की सुविधा है, वो वीडियो कॉल हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, ये हम आपको अरविंद केजरीवाल के बारे में बता रहे हैं। तो आप देखिए कि अब किस तरीके से शराब घोटाले केस में बुरी तरीके से फंस चुके हैं अरविंद केजरीवाल, जेल नंबर 2 में है। मनीष सिसोदिया जिनकी जमानत पर आज सुनवाई भी होनी है वो जेल नंबर 1 में है। संजय सिंह की बात करें जेल नंबर 5 में है, और सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में है। तो ये किस तरीके से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो गले की फांस उनके लिए बन गए हैं। अब देखिए, श्रीमद् भगवद गीता रामायण समेत 3 किताबें अरविंद केजरीवाल को ले जाने की इजाजत है। केजरीवाल ने ये 3 किताबों के बारे में कहा था। इसके अलावा टेबल, कुर्सी, दवाइयां और घर का खाना भी अरविंद केजरीवाल जेल में खा सकते हैं। गद्दा, चादर, 2 तकिए, दरी, चश्मा ये भी अरविंद केजरीवाल अपने साथ बैरक में रख सकते हैं। पेन, नोटपैड और धार्मिक लॉकेट भी अरविंद केजरीवाल के पास जेल के अंदर मौजूद है।
सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने जेल में जाने के बाद जेल में अपने मिलने वालों की लिस्ट जेल प्रशासन को सौंपी, जिसमें केजरीवाल ने 6 लोगों के नाम लिखवाए हैं। परिवार के सदस्यों की बात करें तो परिवार के सदस्यों के अलावा केजरीवाल ने 3 खास लोगों के नाम दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल जेल नंबर 2 की एक सेल में अकेले रहेंगे और केजरीवाल ने जेल प्रशासन को लिस्ट सौंप दी है कि किन किन से वो मिलना चाहते हैं। इसमें 6 लोगों के नाम लिखकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए गए हैं। लिस्ट में परिवार के अलावा 3 अन्य लोगों के नाम शामिल है, तो ये लिस्ट सौंपी गई है। और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। इस बीच केजरीवाल ने जेल प्रशासन को लिस्ट सौंप दी है, 6 लोगों के नाम सौंप दिए हैं जिनसे वो मिलना चाहते हैं। तो केजरीवाल किससे मुलाकात कर सकते हैं, इसमें पत्नी सुनीता, बेटा पुलकित, बेटी हर्षिता, ये परिवार के मेंबर्स हैं। इसके अलावा आप देखिए परिवार के 3 सदस्यों के अलावा संदीप पाठक, ये संगठन महासचिव हैं आम आदमी पार्टी के, इनसे मुलाकात करने के लिए लिस्ट सौंपी है। इसके अलावा विभव कुमार, केजरीवाल के पीए, और एक दोस्त, तीसरा नाम एक दोस्त का है। कुल मिलाकर के 6 लोग हो गए, जिसमें 3 पारिवारिक सदस्य हैं, जिसमें पत्नी है अरविंद केजरीवाल की, बेटा है, बेटी है। इसके अलावा 3 और लोग हैं जिसमें संदीप पाठक का नाम है, विभव कुमार का नाम है, इसके अलावा एक दोस्त का नाम है। तो ये जेल प्रशासन को लिस्ट केजरीवाल की तरफ से सौंपी गई है। अब आप ये देखिए कि किन चीजों की अरविंद केजरीवाल को परमिशन है, परिवार या जिनका नाम दिया उनसे बातचीत वो कर सकते हैं। अब उनको तिहाड़ जेल में घर का खाना भी मिलेगा, घर का खाना वो खा सकते हैं, और जिन लोगों की उन्होंने लिस्ट दी है 6 लोगों की, उनसे वो मुलाकात कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार वीडियो कॉल ये भी अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा जाएगा, जबकि तिहाड़ के ही जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया को रखा गया है, जबकि संजय सिंह को जेल नंबर 5 में रखा गया है। पहले संजय सिंह जेल नंबर 2 में थे, उन्हें कुछ दिन पहले ही जेल नंबर 5 में शिफ्ट किया गया था। इसी केस में बीआरएस की नेता के कविता जेल नंबर 6 में बंद है। तो आपको बताएं कि जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल है, और आपको ये बताएं कि ईडी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं कि फोन का पासवर्ड बदला था, हर सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। आप देखिए कि 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, पिछले साल 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, और 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। एक एक करके आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर ये शराब घोटाले में शिकंजा कसता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं, 21 मार्च को उनको गिरफ्तार किया जाता है, अब 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। आबकारी घोटाला मामले में कोर्ट में केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। केजरीवाल ने विजय नायर का नाम आतिशी और सौरभ भारद्वाज से जोड़ा है। केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था। ये अरविंद केजरीवाल ने अहम बात की। विजय नायर दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी है। विजय नायर के संबंध में अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। तो एक तरीके से अब जांच की आंच क्या आतिशी और सौरभ भारद्वाज तक भी पहुंचेगी, ये देखना होगा, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री है, सौरभ भारद्वाज, इनका नाम लिया है, और बेहद करीबी ये दोनों अरविंद केजरीवाल के हैं। ऐसे में अब विजय नायर को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये इन दोनों को रिपोर्ट करता था। वही इसको लेकर जब आतिशी से सवाल किया गया तो आतिशी जवाब देने से कतराती हुई दिखाई दी, बिना जवाब दिए वो चली गई। मैम आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैम पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। मैम आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैम पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। तो ये देखिए आतिशी ने जवाब नहीं दिया, बिना कुछ बोले चली गई। इस बीच आतिशी खुलासा तो करने वाली है 10 बजे, लेकिन विजय नायर के सवाल पर वो कुछ भी नहीं बोली। अब विजय नायर कौन है ये आपको बता रहे हैं, दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी है विजय नायर, इवेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ हैं। इनका क्या रोल है ये हम आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी में संचार प्रभारी, और दिल्ली शराब घोटाले में पहली गिरफ्तारी विजय नायर की ही होती है। आपको बताएं कि सीबीआई ने सितंबर 2022 में गिरफ्तार किया था विजय नायर को,
शराब घोटाले में गुटबंदी करने का विजय नायर पर आरोप है। घोटाले की साजिश में शामिल होने का आरोप है विजय नायर पर। दक्षिण लॉबी और दिल्ली के बीच कड़ी है क्योंकि ये साउथ कनेक्शन सामने आया था। शराब घोटाले में रिश्वत लेने में मध्यस्थता का आरोप विजय नायर पर है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि विजय नायर तो उनको रिपोर्ट ही नहीं करते थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजे जाने से नाराज हो गए। 10 दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश किया। वहां दोनों पक्ष के वकीलों के बीच जोरदार बहस हुई। ईडी के वकीलों ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और पूछताछ के दौरान सवालों के गोलमोल जवाब दिए। हालांकि ईडी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने दो मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया था। ईडी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ में विजय नायर के मुद्दे पर केजरीवाल ने ईडी के अफसरों को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में पूछताछ के दौरान यह बयान दिया था कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि उनकी कैबिनेट में शामिल आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। विजय नायर दिल्ली के शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में एक है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन पूछताछ में केजरीवाल ने बताया कि विजय नायर से उनकी बातचीत बेहद कम थी। हालांकि पूछताछ में ईडी के अफसरों ने विजय नायर की कई व्हाट्सएप चैट अरविंद केजरीवाल को दिखाए जिनमें उनके और विजय नायर के बीच बातचीत मौजूद थी। ईडी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप चैट दिखाए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर से जुड़े सवालों का जवाब तक नहीं दिया था।